हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। आप लोग देख सकते हैं हम आए हैं फार्म पे अभी दो घोड़े लेके, और दो घोड़े इसलिए लेकर आए दोस्तों, और साथ में हमारा चेतक भी है। तो आज हम सोच रहे दोस्तों, क्योंकि हमारे आप देख सकते हैं पद्मावती काफ़ी गंदी है, और इसे भी देख लीजिए ब्लैक काजल भी बहुत गंदी है। इस वजह से सोचते दोस्तों आज हम ये दोनों को नहाते। तो दोस्तों आज सही सोचे हैं, तो आज मैं अपने फार्म पे और सारे घोड़े को हम और आचार्य और राज मिलके अपने दो घोड़े को पहले आज नहाएंगे बहुत अच्छे से। जैसे देख ली अभी राज हमारे घोड़े के ऊपर पानी डाल रहे हैं, उसके बाद हम लोग साबुन से धोते हैं। अच्छा, अब गर्मी का दिन आ गया दोस्तों, आप तो हम लोग को सुबह सुबह रेगुलर अपने घोड़े को नहाना होगा या पीठ पे पानी देना होगा, क्योंकि वातावरण जब चेंज होता है दोस्तों, जब गर्माहट दिन होता है, जब ठंडी का दिन था तो चल जाता था, अब गर्मी का दिन आ रहा है दोस्तों, इसको सुबह सुबह और दो टाइम या एक टाइम इसको अब कंटिन्यू नहाना ही होगा। आप लोग देख सकते हैं, अगर नहीं नहाइएगा घोड़े तो आपके हमेशा वास जो अब चलता है पसीना रहता है, और वातावरण जो होता है थोड़ा टेम्परेचर गर्म रहता है, इस वजह से गर्मी बहुत लगता है घोड़े लोग को, खास करके गर्मी बहुत लगता है। इसलिए आप देख लीजिए इसको नहाना बहुत ही आवश्यक हो चुकी है। आप पहले उसे देख लीजिए, चले ब्लैक डायमंड के पास, सॉरी पद्मावती, और ये रहा हमारा चेतक। दोस्तों आज आप लोग देख सकते हैं आज हमारा चेतक भी है इसमें नहाने के लिए। गर्मी का दिन आ गया, अब नहाना बहुत ही जरूरी हो गया। ये पद्मावती, इतने नाजुक घोड़े होते हैं दोस्तों, नुकड़ी नस्ल या मरवाड़ी नस्ल में, आप उसे अच्छे से नहाइए। जैसे हमारे चेतक को देखिए कितना शान से नहा रहा आज, इतना सोचे नहीं थे कि ये शान से भी नहाता। पहले इससे पहले जो नहाए थे तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा था उछल कूद। हमको लगता है ये खे अपने फार्म पे नहा रही है, इसलिए खुशी खुशी नहाना पसंद कर रही है। आप लोग देख सकते हैं कितनी गंदी, दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कितनी गंदी हो चुकी है हमारे पद्मावती। और इसके बाद अभी नहाने के बाद इतना खूबसूरत हो जाएगी, पूरे फार्म पे जितनी घोड़ी होगी सब फैल हो जाएंगी। अब जितना इस पे अरमान लगा ना सकते हैं, चलिए हम अपना चेतक के ऊपर पानी देते हैं। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि गर्मी का दिन आ चुका है, आप इसे ठंडे गर्मी का दिन आने के साथ आप इसे घोड़े को सुबह शाम स्नान कराइए, एकदम मस्त रहेगी, एकदम ताजगी फील रहेगी। को भी जैसे कि हम लोग ये दौड़ते हैं या घूमते हैं तो पसीने के कारण बहुत अजीब फील करते हैं, तो बदबू रहती है शरीर, उसी टाइप में आप लोग इसे रोज़ अपने घोड़े को भी अच्छे से नहाइए, ताकि इसकी जितना बदबू होगी वो सारी दूर हो जाएंगे। तो आप काजल को देख रहे हैं, अपने ग्रुप खोज रहे हैं, आप जो ग्रुप हमारे घर पे हैं पिए है घर पे, और काजल हमारे ग्रुप को ही खोज रहे हैं, जो मिलने के लिए नामुमकिन ही है। हमारे साथ अक्ष भी जुड़ चुके हैं घोड़े को नहाने के लिए। कैसा लग रहा है अक्ष तुम्हें आज घोड़ा नहा के, कुछ बोलो। ये देखिए पीछे से पैप फट गया, ये ऊपर से हम घोड़े को नहा रहे हैं, ये हमको नहा रहे हैं। कितना अच्छा सरल तरीका है एक दूसरे को नहाने का। तो इसे हम बंद कर देते हैं, चलिए बंद कर दिए, और आज अपने चेतक को नहाते हुए। तो पता है दोस्तों आज हम क्या आज ज़्यादा, चलिए दोस्तों मैं नहा देता हूँ, उसके बाद हम लोग आप लोग को पूरा वीडियो दिखाता हूँ। पहले नहाने दिए अच्छे से, सब घोड़े को अच्छे से नहाने दिए। तो दोस्तों आपको दिख रहे हैं राज हमारा जो चेतक है, चेतक पे साबुन लगाया जा रहा है पूरे बॉडी पे। अब इसके बाद आपको दिखेगा किस तरह यह साफ सुथरा हो चुकी है, कितना उसके बाद वाइट के दूध की तरह वाइट दिखेगा आप लोग को। यार दोस्तों काफ़ी मेंटेनेंस लगता है घोड़े को साफ करने में, एकदम सुंदर रखने में काफ़ी मेहनत है दोस्तों। इसे रोज़ नहाना रोज़ मालिश करना ये सबकी बस की बात नहीं होती दोस्तों,
से आप देख रहे हैं, इसे भी नहा रहे हैं, उसके बाद इसके ऊपर साबुन लगाना, उसके बाद खसना, उसके बाद मालिश करना, उसके बाद जाके घर में दोस्तों इसके ऊपर अभी साबुन लगाया जा रहा है। सब घोड़े के ऊपर एक एक करके सब घोड़े के ऊपर साबुन लगाया जाएगा। अभी तो पद्मा को लग रहे हैं, उसके बाद काजल को लगेंगे, तब उसके बाद आते हैं साफ सुथरा होने के बाद काफ़ी अच्छे लगने लगते हैं, इसलिए हम लोग साबुन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो खाना में देते हैं इतना मेहनत होता है दोस्तों, आप देख लीजिए किस तरह आप साबुन लगाने के बाद अच्छे से ब्रश मारने के बाद एक एक आदमी के नहीं चार चार आदमी का जरूरत है। अभी मैं भी जाऊंगा उसके साथ शामिल होऊंगा। तो आप लोग देख सकते हैं मैं पद्मावती को नहा दिया और हमारा जो बछल है अब चेतक बछल है, ये रहा चेतक और ये काजल। तो इसके ऊपर पूरा सामान जो जितना था अप्लाई कर दिया, बाकी बचा है अब शैम्पू इसलिए दोस्तों देते हैं क्योंकि जितने बाल होते हैं उसके बाद तो ये शाइनिंग करने लगेंगे, गर्दन के जो बाल देख रहे हैं ना, तो उसके बाद ये पूरा शाइनिंग करने लगेंगे, तो बाल हवा में फुरफुर होंगे। अब हमारे राज को देख लीजिए, चेतक को नहा रहे हैं ब्रश मार मार के एकदम अच्छे से साफ करेंगे एकदम पूरे। आज इसको आपके बाद नहाने के बाद दिखाएंगे दोस्तों किस तरह ये वाइट हो गए दूध के तरह एकदम चकचक बचे हैं, खाली काला और शैम्पूल और उसके बाद क्लिनिक प्लस शैम्पूल लगा के एकदम चकचक हो जाइए। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे, आज आपको सिखाएंगे घोड़े किस तरह नहाते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं बारी है हमारी काजल का, दो घोड़े हमारे नहा चुके हैं और मैं काजल को घस घस के नहाने वाले हैं, राज मार रहे हैं, तो मैं बहुत जल्द इसको भी कंप्लीट कर देते हैं नहा के। चलिए आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहे अच्छे से और जानिए किस किस की सावधानी रखना चाहिए। तो आपको पहले भी वीडियो में हम बता चुके हैं कि कान में पानी नहीं जाना चाहिए, बाकी घोड़े को तुलना में सबसे बड़ी इसकी दुश्मन है कान में पानी जाने की। आप लोग एग्जांपल के तौर पे देखे हैं कि किस तरह करते हैं, जब कान में पानी जाते हैं तो उछलते हैं, इसलिए इस बात के आप लोग ध्यान रखें। तो चलिए देख सकते हैं कि आप लोग सारे घोड़े को नहा दिए, आपने गर्दन पे और जो इसके रूम पे जो टील पे जो पुतली होते हैं उस सब पे आप जो बाल होते हैं उसके ऊपर आप शैम्पू लगाने वाले। तो शैम्पू लगाने से क्या होता है दोस्तों, ताकि इसके जो बाल है जटा बना हुआ नहीं रहे, अलग अलग रहे, तो इन्हें भी चोट लगते हैं, इसका ध्यान रखते करें। अब इसे देखिए मैं डाल दिया, आप लोग इससे पहले देखे थे कितनी गंदी थी हमारे पद्मावती, और उसके बाद आप देखते हैं कितना साफ सुथरा होने लगे, इतनी दूध की तरह, जैसे बोले थे कि दोस्तों की दूध की तरह उगनी हो जाती है साफ करने में। और गर्म के दिन आ चुकी है, थोड़ा खा गया, गर्मी के दिन आ चुकी है, तो आप इसे रोज अपने घोड़े के एक टाइम या सुबह या शाम आप उसे अपने घोड़े को नहाएं और साफ सुथरा रखें, क्योंकि बीच में ठंडी बहुत ज़्यादा थे कि हम लोग साफ नहीं कर पाते थे। और दूसरी बात, आप इसे ध्यान रखें कान में पानी नहीं जाए, अगर ये कान के ऊपर से जाएंगे तो बिल्कुल किस तरह की हरकत करेंगे। गाइस आप लोग देख सकते हैं मेरी पद्मावती ऑलरेडी नहा के हो चुकी है और ये बची काजल, ये भी कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, और इसे राज नहा रहे हैं और इसके बाद पानी मारने के बाद आप देख लीजिए किस तरह ये, और पहले किस तरह थी और अब भी देखिए किस तरह वाइट हो गया। ओहो
तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं नहाने के बाद क्या खुशी है हमारा चेतक को, और ये रहा हमारा ब्लैक सॉरी हमारे तीन घोड़ी। उम्मीद करते हैं अब मैं चला चारों, ये लोग तो नहा लिए, अब हम जा रहे हैं दोस्तों घर पे। जी हाँ, इसको घर पे अब हम लोग खाना देंगे अच्छे से। लोग देख सकते हैं अब हम लोग चले अपने घर, फार्म पे थे, फार्म पे आज सारे घोड़े को नहीं, पद्मावती और हमारे काजल को नवा दी और चेतक को उसमें साथ में। अब दोस्तों मिलता हूँ आपको, हम अपने घर पे आते हैं। इसकी खुशी, चेतक की क्या खुशी है नहाने के बाद। ये भी देखिए कितना साफ़ सुथरा हो चुका है, और ये तो हुई है जो चेतक पद्मावती है, ये तो साफ तो हो सकी, सुंदरी भी सुंदरी है। तो प्यार मिलते हैं दोस्तों आपको। तो आप लोग देख सकते हैं मैं अपने घोड़े को नहा के अपने फार्म से घर लाया हूँ, और इसके पीछे आप देखें पद्माओं की खूबसूरती आप लोग देख रहे हैं। इससे पहले देखिए किस तरह गंदी थी, और अब भी देखिए कितना था। तो अब वक्त है दोस्तों इसको सही से खाना देने का। तो आप इसे देख लीजिए, ये काजल और बाकी घोड़े हमारे फार्म पे ही है, उसको ले आएंगे अभी। तो पहले इन लोग को खाना दे देते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, के लिए बाय।